के कश्मीर में एक बार तो आइए। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी तरीके से लोगों का संबोधन कर रहे थे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक छोटा सा कस्बा है जहां कम आबादी है और यहां अधिकांशतः वन क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के रेल हेड के पास स्थित है। ये पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, स्लॉथ, वेरिये, हिरन, सिरो, चीते, अजगर, पीफोल, चीतल, सांभर, नील गाय, हाइना, भारतीय सिवेट, जंगली बिल्लियां, हॉक डियर, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले राइनोसीरोस, भारतीय भैंसे सभी कभार चितवन से चलकर वाल्मीकि नगर में आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल से लगे राज्य के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पर्यटन के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इको पार्क पाथवे के अलावा नव निर्मित मेडिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ और यहां पर तमाम लोगों को संबोधित किया गया। राजगीर की तरह यहां भी कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है। जल्द ही वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक कर इसे विस्तार दिया जाना है। अब इको टूरिज्म का जिम्मा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हवाले किया गया है, क्योंकि उनकी चाहत देश में अद्भुत और अलौकिक स्थल वाल्मीकि नगर को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश में सबसे बड़ा स्थान वाल्मीकि नगर का होगा। सरकार की ऐसी कोशिश है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पर्यावरण के नजरिए से सबसे सुंदर जगह है वाल्मीकि नगर। ये बिहार का कश्मीर है और यहाँ सड़क मार्ग से रोड की समस्या जल्द खत्म कर दी जाएगी और जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने टाइगर रिजर्व में बढ़ते बाघों की संख्या पर भी सक्रियता दिखाने की बात कही और कहा कि अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। उन्होंने कहा कि हम तो बार बार यहाँ आते हैं, आप भी आइए और मुस्कुराइए कि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं, आप वाल्मीकि नगर में हैं, जो है बिहार का कश्मीर। बिहार में सबसे खास जगह वाल्मीकि नगर है, जो प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ अद्भुत नजारा है। इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश में सबसे बड़ा स्थान वाल्मीकि नगर का होगा और ऐसी कोशिश है सरकार की तरफ से कि पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के इको टूरिज्म विकास के लिए पर्यटन सुविधाओं का शुभारंभ किया जाए। जल संसाधन विभाग द्वारा 200 एकड़ भूमि का हस्तांतरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को किया गया है। अपने प्रवास के दौरान सीएम ने वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना क्षेत्र का परिभ्रमण भी किया। बेहद ही खूबसूरत है वाल्मीकि नगर, प्रकृति की गोद में आकर आप भी कहेंगे कि मजा आ गया। प्रकृति की गोद में किसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर पहाड़ है और खूबसूरत नदियाँ जो आपका मन मोह लेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ आप नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम सुख सुविधाओं का है पूरा इंतजाम, तो एक बार जरूर आए बिहार के कश्मीर। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।